स्टूडेंट्स वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम जानेंगे मैटर इन आर सराउंडिंग चैप्टर के बारे में और इसमें पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और इसकी नेचर क्या होती है और ये कैसे कैसे क्लासिफाई होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। तो हम उसे मैटर कहेंगे जिसका अपना कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि इस एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसका मास है कोई समझ लीजिए 1 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वुडन ब्लॉक के अंदर इसका अपना कोई मास है 1 kg और इसने एक स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वुडन ब्लॉक ने एक स्पेस भी ऑक्यूपाई की है और इसका अपना एक मास भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि टेबल है और टेबल के ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक बुक पड़ी हुई है, कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए इस बुक्स का अपना वेट है 500 ग्राम। इन बुक्स का अपना वेट है 500 ग्राम और सीधी सी बात है अगर ये बुक्स टेबल पे पड़ी हुई हैं तो इन्होंने कोई ना कोई जगह यहाँ पे ली होगी, कोई स्पेस ऑक्यूपाई की होगी। मान लीजिए ये स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस है, तो इस स्पेस को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, यहाँ पे इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है बुक्स ने। तो हम क्या कहेंगे, बुक्स आर द फॉर्म ऑफ मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर हर वो चीज़ है नेचर में जिसका अपना कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो तो हम कहेंगे इट इज़ अ मैटर। इसका मतलब एक छोटी सी पानी की बूंद से लेकर के, अ ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर के, अ पार्टिकल ऑफ सैंड तक, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। हम चारों तरफ हर एक जो भी चीज़ देख रहे हैं हर एक का अपना कोई मास है, हर एक चीज़ ऑक्यूपाई करती कोई स्पेस। अब आप कहेंगे कि भाई एयर कैसे मैटर हो गई, एयर तो हमें दिखाई भी नहीं देती, उसका कैसे कोई मास हो सकता है या कैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। तो इसके भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का यहाँ पे एक लिड लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन को मैं ओपन करता हूँ और इसमें मैं कोई गैस फिलअप कर देता हूँ, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस फिल कर देता हूँ या कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर देता हूँ, और वो फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसका वेट करके देखता हूँ, उसका वेट लेके देखता हूँ कि इसका वेट कितना आया। तो सीधी सी बात है कि क्योंकि एक गैस ने एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है जार के अंदर, कंटेनर के अंदर, और एक इसने यहाँ पर ऑक्यूपाई करने के बाद, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के बाद इसका कुछ वेट भी यहाँ पे दिखाई देगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि इसके मास की वजह से। ठीक है, मास और वेट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। वेट क्या होता है, जो ये बॉडी, जो ये ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है उसे हम कहेंगे वेट, और जो सब्सटेंस इसमें ऑक्यूपाई है, जिससे फिल्ड अप है जिस सब्सटेंस से, वो सब्सटेंस कहलाएगा मास, कि वो ऑब्जेक्ट उससे भरा हुआ है, तो दैट इज द मास। ओके, सो इन दिस वे एयर में भी मास भी होता है और वो एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर।
तो काफ़ी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया कि मैटर होता है और काफ़ी चीज़ें मैटर से ही बनी हुई हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें बेसिक हो सकती हैं जिनसे मैटर बना होता है। तो पुराने लोगों ने कहा, पहले जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है ये मैटर पंच तत्व से मिलके बना है। पंच तत्व कौन कौन से हो सकते हैं आइए देखते हैं। ये पंच तत्व हैं जिसे हम फाइव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो वो उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारा मैटर है ये इन पांच तरीके के तत्वों से बना हुआ है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट आए बाद में, उन्होंने कहा कि भाई हमें ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी, हम इसे गहराई में जाना चाहेंगे और पता लगाना चाहेंगे कि मैटर बेसिकली किन किन चीज़ों से बना हुआ है और हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे वो जिनकी अपनी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो जिनकी अपनी कोई केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम फर्दर दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। सबसे पहले जानते हैं कि मैटर बना कैसे होता है, हाउ इज मैटर मेड अप ऑफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ इज मैटर मेड, ये मैटर बना कैसे है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई जो मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो एक वुडन ब्लॉक की तरह होता है, वुडन ब्लॉक की तरह। यानी वुडन ब्लॉक कैसा होता है, अगर आप किसी लकड़ी के टुकड़े को काटें और उसमें देखें तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई बहुत सॉलिड सब्सटेंस है, कोई ठोस द्रव्य है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि पूरी तरह यूनिफॉर्मली एक पूरे एक दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा मेरे पास वुडन पूरा एक बहुत बड़ा बॉक्स है यहाँ तक, और इसको मैंने छोटा सा पीस यहाँ से काटा, तो इसके अंदर मुझे जो सब्सटेंस दिखाई देगा वही सेम सब्सटेंस मुझे पूरे वुडन इस बॉक्स में भी तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात बताई गई कि जो मैटर है ये बेसिकली सैंड के पार्टिकल्स की तरह है, जैसे रेत के कण होते हैं उस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से कोई सैंड का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, और अगर मैं बारीकी से देखूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे छोटे 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 सैंड के पार्टिकल्स, रेत के कण, वो यहाँ पे दिखाई देंगे मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी हिस्से में इसको ऑब्जर्व करूँ गहराई से तो मुझे दिखाई देगा बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये पूरा ढेर बना हुआ है। तो इस प्रकार से कहा गया कि भाई मैटर या तो एक कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मास के फॉर्म में हो सकता है, जैसे एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, या फिर हो सकता है वो सैंड पार्टिकल की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, यह भी संभव है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे किया गया, आइए देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी में चलते हैं, इसमें देखते हैं कैसे ये दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, हमने क्या किया है बेसिकली, हमने यहाँ पर
एक जार लिया है जिसमें पानी भर दिया है, और उसके बाद इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट यानी नमक डालने के बाद इसे हमने स्टिर कर दिया, घोल दिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे ही मैं इसे घोलना शुरू करूँगा और घुल जाने के बाद, नमक के घुल जाने के बाद, क्या यहाँ पर पानी का लेवल में कोई डिफरेंस आएगा? क्या पानी के लेवल में कोई डिफरेंस आपको मिलेगा, कोई चेंज मिलेगा? क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या होगा कि पानी का लेवल वहीं का वहीं बराबर बना रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रकार से, इस टाइप से, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास छोटे छोटे यहाँ पे मैंने बना दिए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। ये सॉल्ट आपने एक स्पून में भर के डाल दिया। अब वो सॉल्ट जो है वो यहाँ पर इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन स्पेसेस के अंदर। मान लीजिए वो स्पेसेस हैं, खाली जगह है, तो जहाँ जहाँ खाली जगह, खाली खाली स्पेसेस इसको मिलेंगी सॉल्ट के पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ वहाँ ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, फैला लेगा, और इस तरह से सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है बिना ही उसके वॉल्यूम को इंक्रीज किए। तो ये इस तरह से हो पाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के घुल जाते हैं। तो इससे यह पता लगता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरह से पता लगा हमें कि मैटर इज बेसिकली, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है और मैटर किस तरह से हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है, और मैटर कैसे बनता है, और मैटर को पार्टिकल फॉर्म में दिखाने के लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट सीखा अभी, वह भी अभी आपको आ गया होगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल वैभव एक्सप्लेन्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।